जिंदगी का कुछ ना कुछ मेयार होना चाहिए, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, और जो मिटा दे अपनी हस्ती मुल्क को मिल्लत के लिए, ऐसा मेरी कौम का सरदार होना चाहिए। भरपूर तालियां बजाएं साहिबा निगार माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। बिना किसी तमकीद के चार मिसरे हाजिर करती हूँ। आप सभी की दुआएं, आप तमाम की शिरकत में हाजिर करती हूँ। आग और खून के मंजर से लिपट जाती है। क्या बात है। आग और खून के मंजर से लिपट जाती है, जिंदगी दर्द के महवर से लिपट जाती है। कोई सुनता नहीं मजलूम की फरियाद निगार, बेबसी जाके सितमगर से लिपट जाती। वाह 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 वाह, बेबसी वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। और चार मिसरे हाजिर करती हूँ, फिर आपकी जहमतें तमाम। इरशाद अली। मेरे ख्वाबों में आ गया कोई, मेरे ख्वाबों में आ गया, मेरे ख्वाबों में आ गया कोई, अपना जलवा दिखा गया कोई। वाह वाह। मेरी आंखों को रत जगे देकर, मेरी आंखों को रत जगे देकर, नींद मेरी चुरा गया कोई। वाह 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 वाह, मेरी आंखों को रत जगे देकर। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उसी के साथ साथ मैं इस वक्त चाह रहा हूँ के जौनपुर की सरजमीन से तशरीफ़ लाए एक नौजवान शायर अरबाज़ जौनपुरी साहब आ जाएं, और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं सबको बुला रहा हूं। बाबा आप बेफिक्र रहें, आपकी सदारत में इतना कामयाब मुशायरा हो रहा है कि बंद होने के बाद वापस से जारी हुआ। एक मरतबा तालियां बजा करके इस नौजवान शायर का इस्तकबाल करें और बाबा को मुबारकबाद दें। अस्सलाम वालेकुम भिवंडी वालों। वालेकुम अस्सलाम। पहली हाजिरी मेरी भिवंडी में, और सदर मुशायरा से इजाज़त चाहते हुए यहीं से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। सुनिएगा दोस्तों, कि जरा सा बात है इतनी कि इतना भूल बैठे हो, जरा सा बात है इतनी कि इतना भूल बैठे हो, कहाँ पर टेकना तुमको है घुटना भूल बैठे हो, कहाँ पर थे मुसलमानों कहाँ पर आ गए हो, अब फकत सुन्नत नहीं भूले तुम सजदा भूल बैठे हो। और जुबां से कहने पर कोई हिदायत हो नहीं जाती, जुबां से कहने पर कोई हिदायत हो नहीं जाती, लगा लें खुद से हम सूली शहादत हो नहीं जाती। नबी की और कितनी सीरतें भी फर्ज है हम पर, फकत सजदा लगाने से इबादत हो नहीं जाती। वाह वाह। सगे भाई के जैसे हैं समझ लेना नहीं दुश्मन, हिंदू और मुसलमान। सगे भाई के जैसे हैं समझ लेना नहीं दुश्मन, जरा सा रूठ जाने से अदावत हो नहीं जाती। आइए एक गजल का कुछ सुनाता हूँ कि कौन है यहाँ पर गोरा या काला कौन देखता है, किसकी जुबा पर लगा है ताला कौन देखता है, और मेरी कामयाबी के सितारे तो नजर आते हैं सबको, मगर पैरों में है कितना छाला कौन देखता है। और दौलत शेर आ रहा है कि दौलत मयसर होते ही फकत बीवी आती है नजर, मुझे बचपन में है किसने पाला कौन देखता है। और ये दुनिया है, ये दुनिया है यहाँ पर
कि जुबां कि कौन है यहाँ पर गोरा या काला, कौन देखता है किसकी जुबां पर लगा है ताला, कौन देखता है मेरी कामयाबी के सितारे तो नजर आते हैं सबको मगर पैरों में है कितना छाला, कौन देखता है और दौलत में असर होते ही फकत बीवी आती है नजर, मुझे बचपन में है किसने पाला, कौन देखता है कि तूफान में रहने दी कश्ती किनारा नहीं देखा, किसको होगा ये मंजर गवारा नहीं देखा, इस दहलीज पर ही देखकर होश गवा बैठे, अच्छा हुआ तुमने हमें कवारा नहीं देखा। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया वक्त आप लोगों, बहुत शुक्रिया। मैं तमाम शोराए किराम से बस नाम लूंगा और उन्हें माइक पर बुलाऊंगा, सब शायर तमाम शायरा मेरे लिए बहुत मोहतरम है। राज आयमी साहब के लिए बोले जी, मैं इस वक्त चाह रहा हूँ कि बहुत मोहतरमा डॉक्टर सभिया खुर्शीद साहबा से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपना कलाम से नवाजें डॉक्टर सभिया साहिबा। दोस्तों तालियां बजा दें, भिवंडी शहर आज बड़ा कंजूस सा नज़र आ रहा है मुझे, तालियां बजा करके इस्तकबाल करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत कंजूस नहीं, भिवंडी शहर बड़ा फराख दिल है और ये उसकी फराग दिली की निशानी है कि देखो मुशायरा बंद हो चुका है लेकिन लोगों ने वापस जावेद भाई मुझे मालूम है आप बोलेंगे यहाँ पे शोरा के इकराम में और उनको सुनने के लिए दोबारा जमा हो गए, ये बहुत बड़ी बात है। सही बात है बिल्कुल, इसके लिए मैं भिवंडी के लिए ताली बजा रहा है रही सितारा, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम हजरात अपने लिए खुद एक बार ताली बजाएं। और जैसा कि आज हम जमा हुए हैं गांधी जयंती के मौके पर और हम जमा होते रहते हैं और सभी ने अपने अच्छे अच्छे कलाम आप लोगों को सुनाए, मैं भी कुछ अशार आपकी नजर करती हूँ कि क्या होना चाहिए। जहाँ हिंदू न मुसलमान रहा करते हैं, 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 वहीं ले चल जहाँ इंसान रहा करते हैं, वहीं ले चल जहाँ इंसान रहा करते हैं। और जैसा कि और आप माहौल देख रहे हैं फलस्तीन का और मुसलमानों का भी, तो मैं दो चार अशआर इस तरह कह के अपनी जगह लेती हूँ चूँकि वक्त तमाम हो चुका है कि है मुकाबिल में जो कुफार के लश्कर वाले, 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 उनसे कह दीजिए हम भी हैं बहत्तर वाले, उनसे कह दीजिए हम भी हैं बहत्तर वाले। बहुत बहुत शुक्रिया। है मुकाबिल में जो तू हमने तूफान से लड़ने का हुनर सीख लिया, हमने तूफान से लड़ने का हुनर सीख लिया, हमने तूफान से लड़ने का हुनर सीख लिया, तो बुरा मान गए सारे समंदर वाले, तो बुरा मान गए सारे समंदर वाले, है मुकाबिल में जो कुफार के लश्कर वाले। और एक शेर और आखिरी शेर इस गजल का आपकी नजर, बदनसीबों को मोहब्बत से सरोकार नहीं, बदनसीबों को मोहब्बत से सरोकार नहीं, बदनसीबों को मोहब्बत से सरोकार नहीं,
बद नसीबों को मोहब्बत से सरोकार नहीं, इश्क करते हैं तो करते हैं मुकद्दर वाले, इश्क करते हैं तो करते हैं मुकद्दर वाले, सामने है जो ये कुफार के लश्कर वाले, उनसे कह दीजिए हम भी है बहत्तर वाले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारकबाद। आइए उत्तर प्रदेश की सरजमीन से तशरीफ लाए, राज आदमी से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लाएं और आप तालियां बजा दें, ऐसा समझें कि मैंने बहुत सारी गुफ्तगू